हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इससे पहले वाला मैंने एक वॉल्यूम आपसे शेयर किया था, उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आप लोगों को भी वो बुक काफ़ी अच्छी लगी। कमेंट्स आए हैं लोगों के कि वो बुक काफ़ी पढ़ने में अच्छी है, बायलिंगुअल है, और अभी तक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैंने जो देखा वो हिंदी मीडियम की रहती थी। जैसे सीडीपी की भी मैंने आपको बताई थी, जूलॉजी की भी बताई थी, लेकिन बॉटनी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि ये आपको बायलिंगुअल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी, बॉटनी और वॉल्यूम टू, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप जूलॉजी से एमएससी किए हैं तो आपको बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप बॉटनी से एमएससी किए हैं तो आपको जूलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा वर्ग एक या जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट में उनके लिए, ठीक है। तो और साइंस में आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पर भी जैसे वर्ग दो के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको बॉटनी प्लस आपका जो वॉल्यूम वन है जो कि यहाँ पर जूलॉजी लिखा आएगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस बुक की जो खासियत है वो देखिए, ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मतलब पहले एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। फिर ये देखिए 56 चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व पेपर हैं, 6732 मतलब लगभग 6500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए हैं। 56 सेट्स मतलब 56 तरह के पेपर्स का मिला हुआ सार इस बुक में है, ठीक। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मेरा मन हुआ कि आप लोगों के साथ एक बुक शेयर करूं, और मैं काफ़ी टाइम से इसे इंग्लिश मीडियम में सर्च कर रही थी कि मुझे अगर इंग्लिश मीडियम की इसमें मिल जाती है तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम्स में मुझे अभी तक इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं मिली थी। यहाँ पर देखिए इंडेक्स, टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन सिलेबस, आपको सिलेबस दिया गया है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस चार्ट दिया गया है कि किस पेपर में किस टॉपिक से कितने नंबर का वेटेज रखता है। फिर उसके बाद ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, नॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड मिसलिनियस। तो यहाँ पर देखिए हर एक टॉपिक गिवन है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका वेटेज दिया गया है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें वेटेज गिवन है। फिर देखिए यहाँ पर टीजीटी सिलेबस दिया है, जूलॉजी का, बॉटनी का, मैंने आपको पहले ही बोला जूलॉजी बॉटनी आपने पीजी किसी भी उसमें कर रखे हो, बायोलॉजी है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूर ये रहता है कि जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करें, अगर बॉटनी है तो आपको पूरा बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी है तो आपको पूरा जूलॉजी पढ़ना है। ये आपका पीजीटी का सिलेबस है तो आपको सिलेबस भी बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक एक चीज़ मिल रही है, जैसे कि कोर डेटा है तो जनरल सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास, ओरिजिन ऑफ कोर डेटा, इस तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़, माइन्यूट थिंग्स भी इसमें गिवन है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है, एग्ज़ाम ऑफ एग्जामिनेशन ईयर, पेपर कब हुआ था, इसकी डेट दी हुई है, और ये किस किस एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, लेक्चरर सिलेक्शन एग्ज़ाम, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, नवोदय विद्यालय का, इस तरीके से यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स के नाम हैं कि किस किस एग्ज़ाम में किस ईयर में कितने कितने कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ग्राफ दिया है कि एम्ब्रियोलॉजी से भी इतने क्वेश्चंस हैं, साइटोलॉजी से इतने हैं, जेनेटिक्स से इतने हैं, और ये ईयर वाइज ये आपका पूरा इस तरीके से ये कितने कितने क्वेश्चंस, ये देखिए सबसे ज़्यादा जैसे एंजियोस्पर्म में आए हैं ये इतना, फिर ये इतना, इस तरीके से यहाँ पर ये वेटेज दिया गया है।
ये क्वेश्चन, उसके बाद ये ईयर दिया गया है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, कि ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, फिर यहाँ पर इसका ईयर दिया है कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, कब पूछा गया, और इसका हाल की हाल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो गाइज़, जो भी मुझे इस बुक के बारे में अच्छा लगा वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया। बात बाकी ये आपकी खुद की चॉइस रहेगी कि आपको इसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या किस तरीके से आपकी जो भी इच्छा रहती है, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करके शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और जिनको बुक्स के बारे में सर्च करना पड़ रहा है कि कौन सी बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, इस तरीके से। अगर आप वर्ग दो के लिए बुक्स देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप वो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।